बातें और उसके सेंटेंसेस कैसे उसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तड़का, सबसे पहले हम बात करते हैं तड़का। तड़का को क्या कहते हैं? तड़का को मतलब सीजिंग कहते हैं, SEASONING, सीजिंग। सीजिंग मीन्स होता है कि तड़का, तड़का या फिर छौका लगाना, दाल में छौका लगा दो या दाल में तड़का लगा दो, तो उसको हम कहते हैं सीजिंग बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि दाल में तड़का लगा दो, तो एड सीजिंग टू द पल्स, एड सीजिंग टू द पल्स, पल्स की जगह हम दाल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं नमक तेज है, नमक तेज है, नमक तेज है के लिए क्या बोलते हैं? द सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो नमक तेज है का मतलब रहता है सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो उसमें हम जैसे मैंने बोला कि सब्जी में नमक तेज है, दाल में नमक तेज है, तो क्या बोलेंगे? सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इन द पल्स, सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इन द पल्स। अब उसी का हम अपोजिट ले लेते हैं कि नमक कम है, दाल में नमक कम है, तो क्या करेंगे? सॉल्ट इज लेस इन द पल्स, सॉल्ट इज लेस इन द पल्स। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि मोमोज खा रहे हैं या चटनी, उसकी चटनी बहुत तीखा होता है, तो उसमें बोलते हैं यार ये तो बहुत तीखा है, बहुत मिर्ची है इसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइसी, इट इज वेरी स्पाइसी। या फिर हमने बोला कि चटनी बहुत स्पाइसी है, तो सॉस इज वेरी स्पाइसी, मतलब चटनी बहुत तीखा है, तो सॉस इज वेरी स्पाइसी। अब हम बात करते हैं कि जैसे कहते हैं कुछ खाना बन रहा है और उसे कहते हैं, बोलते हैं कि ढकने के लिए बोलते हैं, तो ढकने को क्या बोलते हैं? तो ढकने को बोलते हैं कवर। मैंने बोला कहते हैं कि जब तक खाना बन रहा तब तक इसे ढक दो, तो कवर इट व्हाइल कुकिंग द फूड, या फिर इसे ये भी कुछ कह सकते हो कि कवर इट टिल व्हेन कुकिंग द फूड, दोनों सेंटेंस बना सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि उबलने तक इसे पकाओ, ठीक है, इसे जब तक उबले, मतलब कहते हैं जब तक ये उबलता नहीं तब तक इसे पकाते रहो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? तो उसमें हम लगाते हैं कुक इट टिल द बॉइलिंग, कुक इट टिल द बॉइलिंग, इसे तब तक पकाते रहो जब तक ये उबल ना जाए, ठीक है, तो मतलब उबलने तक इसे पकाओ। अब हम बात करते हैं छीलना, छीलना को छिलका और छीलना दोनों डिफरेंट जो मीनिंग है वो एक ही है, जैसे पील, पील का मतलब छिलका भी होता है और छीलना भी होता है, जिसको हम छील के हटा देते हैं फिर उसके अंदर की जो सामान होते हैं वो हम खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें पील के जगह पील ऑफ लगाएंगे, जब भी जैसे कि मैंने बोला कि इसे छील दो, तो उसमें क्या करेंगे? पील ऑफ, पील ऑफ मतलब छिलका उतार कर हटा देना। तो जैसे मैंने बोला कि आलू को छील दो, तो क्या बोलेंगे? पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द पोटैटोज। वैसे हम किसी को भी चीज को बोलेंगे, जैसे प्याज छील दो, तो पील ऑफ द ऑनियंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटी पकाना, रोटी पकाना को क्या कहते हैं? रोटी पकाना दोस्तों, रोटी पकाने में क्या करते हैं, हम उसे मेक भी लगा सकते हैं, ठीक है, और उसे हम बेक भी लगा सकते हैं। मेक इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, उसे एक शेप में बनाते हैं और उसके बाद उसे पकाते हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? मेकिंग द चपाती या मेकिंग द रोटी, ठीक है, या मेकिंग द ब्रेड भी बोल सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस हम यूज कर सकते हैं बेक, बेक मतलब क्या होता है कि सेकना, तो हम उसे क्या करते हैं, रोटी को सेकते हैं, तो इसलिए हम उसे सेकना भी यूज कर सकते हैं, जैसे बेकिंग द चपाती, ठीक है, या फिर इवन यू कैन से दैट कि बेकिंग द रोटी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं रोटी बेलना, रोटी बेलना क्या कहते हैं? रोटी बेलना, बेलने को क्या बोलते हैं? रोलिंग, रोटी बेलना, तो क्या बोलेंगे हम कि रोटी को बेल दो, तो क्या बोलेंगे? रोल द रोटी, रोल द चपाती। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे नाम कहे कि मुझे रोटी बेलना नहीं आता है, तो आई डोंट नो हाउ टू रोल द चपाती, आई डोंट नो हाउ टू रोल द चपाती। अब उसके बाद बोलेंगे आटा गूंदना, आटा गूंदना क्या होता है? आटा गूंदना को बोलते हैं कि नीडिंग द डग, नीडिंग द डग, नीडिंग द डग, नीडिंग द डग मीन्स क्या होता है कि नीडिंग द डग, डग मीन्स होता है कि जब हम आटे को जब एक शेप में बनाते हैं, मतलब लोहिया टाइप का जो होता है, जिसे मतलब पानी में डाल के जो हम एक शेप देते हैं उसे बोलते हैं डग, ठीक है, तो नीडिंग मतलब होता है गूंदना एक तरह का, ठीक है, तो आटा गूंद दो, तो नीडिंग द डग। उसके बाद बोलते हैं कि हम जैसे क्या होता है कि सैलेड बना रहे हैं, तो सैलेड में बनाने में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चॉप अप, उसे क्या कहते हैं? चॉप अप या फिर चॉपिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि खीरे को मतलब टुकड़ों टुकड़ों में काट दो ताकि इसे सलाद बनाया जा सके, तो क्या बोलूंगा? चॉप अप द कुकुम्बर्स, चॉप अप द कुकुम्बर्स या फिर चॉपिंग द कुकुम्बर्स भी हम यू कैन यूज, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि गोल गोल काटना, इसे क्या करना कि गोल गोल काटना, काटते रहो भैया लेकिन इसे क्या करोगे? गोल गोल काटना, तो गोल गोल काटने के लिए इसके क्या हम शेप देंगे, तो क्या बोलेंगे? स्लाइस इन द, स्लाइस इन द सर्कुलर शेप। अब मैंने बोला कि खीरे को क्या करना,
खीरे को गोल-गोल टुकड़ों में काटना। तो क्या बोलूंगा, स्लाइस द ककुंबर इन द सर्कुलर शेप, स्लाइस द ककुंबर इन द सर्कुलर शेप। अब हम बात करते हैं भूनना। भूनना मींस होता है फ्राई करना एक तरह का, क्योंकि किसी भी चीज को हम करते हैं कि नाम पे करते तेल में फ्राई करें या कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि इसको प्याज को क्या करते हैं भूनते रहो या फिर चिकन को भूनते रहो जब तक ये अच्छे से बन ना जाए, तो उसमें हम भूनने को क्या बोलते हैं सॉटी। इसको सॉटी, सॉटी मतलब होता है कि भूनना। जैसे मैंने बोला कि प्याज को भून दो, तो क्या बोलोगे सॉटी द ऑनियंस, क्या बोलेंगे हम सॉटी द ऑनियंस, या फिर चिकन को भून दो तो सॉटी द चिकन, सॉर्ट द चिकन, तो इसमें ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कच्चा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अभी कच्चा है, जैसे हमने कहा था कि सपोज कहा था कि मैंने बोला कि तुम भून दो इसे, अब उसे बोला कि भैया मैंने भून दिया, मैंने फिर मैंने देखा था ये तो अभी तो कच्चा ही है, इसे फिर से भूनो। तो जब कच्चा होता है तो उसमें हम कच्चे को लगाते हैं अनकुक। ठीक है, मैंने बोला कि यार ये अभी तक पका नहीं है, ठीक है ये अभी कच्चा ही, इसे फिर से करो। ठीक है, तो दिस इज या इट इज अनकुक, डू इट अगेन। ठीक है, ये अभी कच्चा है इसे पकने दो या इसे दोबारा फिर से करो। ठीक है, तो इट इज अनकुक्ड येट इसे फिर से भूनो, तो डू इट अगेन। ठीक है, या फिर हम इसमें ये कहते हैं सॉर्ट इट अगेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोटा मोटा पीसना। सपोज जैसे कि हमने बात कहा कि किसी भी चीज में, जैसे मैंने कहा ग्राइंडर है तुम्हारे पास, ठीक है, तो अब मैंने मसाला दिया, मसाला दिया उसके बाद बोलते कि यार मम्मी ने बोला कि तुम्हें क्या करना है मोटा मोटा पीसना, ऐसे ये नहीं कि बारीकी बारीकी एकदम से पीस देना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब मोटा मोटा पीसने को बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं माइंस, उसको क्या बोलते हैं माइंस। जैसे मैंने बोला है, कहते हैं कि इस मसाले को क्या करना मोटा मोटा पीसना, तो क्या बोलेंगे हम माइंस द स्पाइस, माइंस द स्पाइस, या फिर मम्मी ने बोला कि ये अदरक को पीस तो रहा है लेकिन मोटे मोटे पीसिए, तो क्या बोलूंगा मम्मी क्या बोलेंगे मुझे माइंस द गार्लिक। ठीक है, माइंस द गार्लिक मतलब मोटा मोटा पीसना। ठीक है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर जैसे बादाम हो गया या फिर किसी भी चीज को, उसको हम एक अच्छे से नहीं पीसते, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पीसा, उसे कहते हैं क्रश। ठीक है, जैसे बोला कि बादाम को पीसो, तो क्या बोलेंगे क्रश द आलमंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भिगो देना। ठीक है, भिगो देना मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब पानी में डाल के उसे भिगोना, मतलब जैसे कि चावल हम भिगोते या फिर चना भिगोते। ठीक है, तो उसमें उसको हम क्या यूज करते हैं, तो उसको हम ये कह सकते हैं डिप, उसे क्या कहते हैं हम डिप द ग्राम्स। ठीक है, मतलब चने को भिगो दो। ठीक है, या डिप द राइस, मतलब राइस को भिगो दो, कुछ भी हम कह सकते हैं डिप मतलब होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसका, हम कहते हैं कि गाढ़ा करना। ठीक है, जैसे हमने बात किया कि सपोज करते कि तो सॉस बनाया। ठीक है, तो सॉस में क्या होता है ज्यादा पानी डाल दिया, तो उसमें जब पानी डालते हैं वो क्या होता है एकदम पतला हो जाता है, तो उसमें बोलते हैं ना कि यार सॉस को गाढ़ा ही रहने देना। ठीक है, तो उसमें जब भी गाढ़ा करने की बात होती है तो उसमें हम गाढ़े को क्या बोलते हैं ठीक है BIND, तो इसमें हम क्या होते हैं सॉस, मतलब इसको सॉस को क्या होता है गाढ़ा ही बनाना, तो सॉस। ठीक है दोस्तों, कैसे लगे मेरी वीडियो? दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।